हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं हमारे ये सिलेबस के कुछ पॉइंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। अगर बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी आ जाती है। इसका फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल आपके पास है इन योर कंट्री, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको फूड एक्सेस दिया जाए, फूड जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। तो यही चीज हो जाती है आपकी फूड सिक्योरिटी का मतलब। फूड सिक्योरिटी को हालांकि डिफाइन किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, और ये बताता है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशियंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर फूड प्रेफरेंस एंड डाइटरी नीड फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। क्लियर? तो यहां पर बेसिकली क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे डिफिनेशन दे दी गई है। जैसी संस्था हमेशा एक ब्रॉड लेवल पे डिफिनेशन देती है, जहां पर अब जरा इसको तोड़ तोड़ करके आप देखिए, जब भी कोई बड़ी डिफिनेशन है उसको हमेशा ब्रेक कर देना चाहिए। सिमिलरली आप क्वेश्चंस में भी अगर बड़े क्वेश्चंस हो तो उसको ब्रेक करके देखा करिए। मैंने आप लोग को क्वेश्चन आंसर सीरीज में बताया भी है। तो मीन्स दैट पीपल एट ऑल टाइम, हर समय आपको देखना है, ठीक, हर समय। और कैसा एक्सेस चाहिए? फिजिकल एक्सेस हो, मतलब खाने के लिए हमेशा मिलते रहे, सोसाइटी लेवल पे एक्सेस हो और इकोनॉमिक लेवल पे हो। और ये जो एक्सेस मिल रही है, ऐसा नहीं कि दो दाना दे दिया जाए, दे शुड बी गिवन सफिशियंट, सेफ होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि उसमें आप कुछ मिला विला करके दे रहे, सेफ। और ये न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। तो बेसिकली इनको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे एक तो ये एक्सेस प्रोवाइड करनी है हर एक लेवल पे, और एक्सेस भी प्रोवाइड करनी है कैसे फूड की, ये फूड होना चाहिए, एक तो सफिशियंट फूड होना चाहिए, फिर हेल्दी फूड होना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ठीक है, दैट मीट देयर फूड प्रेफरेंस एंड डाइटरी नीड फॉर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो उनके लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सारी चीजें मिल जाए। क्लियर हो गया? इसके अलावा फूड सिक्योरिटी बोलता है कि देयर आर बेसिकली थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन भी बनता है। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट एलिमेंट होता है फूड की अवेलेबिलिटी, तो फूड की अवेलेबल कराना, ठीक है, तो फूड मस्ट बी अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटी ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, इट कंसिडर स्टॉक प्रोडक्शन इन गिवन एरिया एंड कैपेसिटी टू ब्रिंग इन फूड फ्रॉम एल्सवेयर थ्रू ट्रेड और एड, किसी भी तरीके से। अच्छा, ये हमेशा हमेशा तीनों तरीके से, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तीनों लेवल पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा होता है फूड एक्सेस, मतलब कि फूड जो है, मतलब पीपल, जनता को, दे शुड बी एबल टू रेगुलरली एक्वायर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड थ्रू परचेज, होम प्रोडक्शन, बार्टर, गिफ्ट, किसी भी तरीके से, एनी हाउ दे शुड बी एबल टू रेगुलरली एक्वायर एडिक्वेट क्वांटिटीज। क्लियर? तीसरा जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं फूड यूटिलाइजेशन, मीनिंग दे कंज्यूम फूड मस्ट हैव अ पॉजिटिव न्यूट्रिशियस वैल्यू, जो भी खाए वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए। तो इट इंटेल्स कुकिंग, स्टोरेज, हाइजीनिक प्रैक्टिस, इंडिविजुअल हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली मिला करके तब बनता है हमारा फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली इन तीनों एलिमेंट को हम लोग इस डेफिनेशन में देख सकते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन फूड, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के द्वारा दी गई है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है फूड सिक्योरिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू हाउसहोल्ड रिसोर्स, डिस्पोजेबल इनकम एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, विच इज वेरी, मतलब प्रैक्टिकल, जो आप देख सकते हैं हाउसहोल्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। इट इज आल्सो स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड विद अदर इश्यूज, जैसे फूड की प्राइस से रिलेटेड भी हो गया, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एनी वे फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, वाटर हो गई, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया, ये सारी भी चीजें कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर रही होती हैं। क्लियर? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करें, जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें बोला गया था कि इंडिया नीड टू टेक बिग इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव इट्स फूड सिक्योरिटी एज इट फेसेस सप्लाई कंस्ट्रेंट, वाटर स्कर्सिटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लो पर कैपिटा जीडीपी एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन। ठीक है, तो ये बताई गई है बेसिकली फूड सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। As far as this economic survey is concerned, बहुत important होता है आपके, चाहे वो prelims examination हो, चाहे आपके mains examination हो, ठीक है, या फिर interview हो, तीनों के ही cases में आपके लिए बहुत important होता है
क्वेश्चंस आपको एनी वे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की लिस्ट हमारी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है इस ईयर की 19-20 की, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। ऊपर देखिए आई बटन भी बन के आ रहा होगा, यहाँ पर आई बटन बन के आ रहा होगा और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नियर अबाउट 44 वीडियोज हैं, काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। आई विल सजेस्ट यू टू वॉच एटलीस्ट वंस ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होगी रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट या फिर इकोनॉमिक सर्वे, काफी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे की भी प्लेलिस्ट को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी क्वेश्चन उठता है कि व्हाई फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशन, क्यों क्यों जरूरी है? अब सीधी सी बात है, ये बताइए बिना खाए कभी आप कोई काम कर सकते हैं क्या? कुछ भी कर पाएंगे? नहीं। तो इसी वजह से फूड सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशन के लिए। और ये फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कैसी? फर्स्ट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और सबको सफिशियंट रूप में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड सफिशियंट, तो जब भी आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों टर्म आपको इंक्लूड करने हैं, देन ओनली योर आंसर विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट आंसर। तो यहां पर देखिए, फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर बूस्टिंग कंट्रोल ऑन फूड प्राइस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि वाई फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन, फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फॉर इंक्रीज ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, फॉर इंप्रूव हेल्थ एंड हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए किसी भी एक नेशन के लिए। सारे के सारे टर्म अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इंडिया के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने फेमाइन जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर आगे हम लोग मैं बताऊंगा आप लोगों को कि फेमाइन में कैसे इंडिया में क्या क्या क्रोनोलॉजी रही है, कैसे फेमाइंस आए हैं, क्या होता है फेमाइन, ठीक है। तो केवल अभी के लिए फिलहाल आप याद कर लीजिए कि 1943 में बंगाल फेमाइन आया था, बहुत बड़ा, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे था, डिजास्ट्रस था। इसके अलावा आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे आप लोग ये सब के बारे में। फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एक्सपीरियंस ऑफ बंगाल फेमाइन ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग विच 2 मिलियन to 3 मिलियन पीपल पेरिश्ड ड्यू टू स्टार्वेशन, भूख से मर गए थे। सिंस अटेनिंग इंडिपेंडेंस हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने फिर यही किया कि फूड सफिशियंसी इंपॉर्टेंट है, तो फूड सफिशियंसी हम लोगों ने मेंटेन करना शुरू किया। हालांकि 1960 में अगेन हमारे पास एक डिजास्ट्रस फेमाइन कंडीशन आ जाती है एंड द सेम थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। सिंस अटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड इनिशियल रश टू इंडस्ट्रियलाइज वाइल इग्नोरिंग एग्रीकल्चर, टू सक्सेसिव ड्रॉट इन मिड 1960s एंड डिपेंडेंस ऑन फूड एड फ्रॉम द US एक्सपोज्ड इंडिया टू वल्नरेबिलिटी टू सेवरल शॉक्स ऑन फूड सिक्योरिटी फ्रंट। अब यहां पर क्वेश्चन उठना शुरू हो गया था गवर्नमेंट वे कि क्या आखिर में जो हम इंडिया है कभी फूड सफिशियंट बन भी पाएगा कि नहीं, बिकॉज इंडिया हैड प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फर्स्ट थिंग, दूसरा यील्ड नहीं होती थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन को कैसे फीड करना है। तो इंडिया के पास एक वरदान निकल करके आया था हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फॉर्मेट में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ कर्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ ब्लेसिंग, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एन इवेंट जो कि उस समय एक बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग निकल के आया था, बट इन द लॉन्ग टर्म ये एक कर्स निकल के आया है। लेकिन उस समय के लिए काफी अच्छा था, क्यों? क्योंकि उस समय ये हमारी कंडीशन, ये हमारी पुअर कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन थी और इस कंडीशन को इसने इंप्रूव कर दिया था। तो इंप्रूवमेंट जब भी किसी भी चीज की होगी तो हमारे लिए क्या बनेगी? ब्लेसिंग, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ब्लेसिंग बन गया। द कंट्री वेंट इनटू अ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेट 1960s एंड अर्ली 1970s एनेबलिंग इट टू ओवरकम प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेशन एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फूड ग्रेन प्रोडक्शन। डिस्पाइट इट्स सक्सेस ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग फोकस्ड ओनली ऑन 2 सीरियल, केवल और केवल गेहूं और चावल, इन दोनों पे ही केवल फोकस किया गया था। बट स्टिल चलिए ठीक है, मैं कहूंगा कि इट वॉज अ गुड स्टेप क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी कंडीशन को इंप्रूव कर दिया। देखिए इंडिया में केस यही होता है कि प्रॉब्लम के समय अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो बाद में यही सोल्यूशन को लोग कोसना शुरू कर देते हैं। मतलब यू शुड लुक इन टू द सोल्यूशन एट द टाइम इन विच इट वॉज द कंडीशन, मतलब किस तरह की प्रिवेलिंग कंडीशन में किस तरह के सोल्यूशन आए हैं उसको आपको उस कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए। यू कैन नॉट से दैट कांग्रेस इज रूलिंग फॉर पास्ट 70 years एंड नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, नहीं कह सकते हैं, बिकॉज उस समय की कंडीशन अलग थी एंड नाउ द कंडीशन इज चेंजिंग, वी आर लिविंग टू अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अर्लियर इट वॉज टाइम ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी, बोथ हैव डिफरेंट सिचुएशन। तो खैर चलिए, वी आर नॉट गोइंग इन टू द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बींग कन्फाइंड टू अ फ्यू रिसोर्स अबंडेंट रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट
and southern part of the country and benefited mostly rich farmers and putting too much stress on the ecology of these region, especially soil and water. So basically क्या है कि green revolution की क्या क्या problems थी उसके बारे में यहाँ पर discuss किया गया है. हम लोग green revolution discuss करेंगे in paper 2, बहुत detail में discuss करेंगे green revolution, blue revolution, हर एक revolution के बारे में discuss करेंगे, उसके problem, उसके outcome, सब कुछ के बारे में. तो आगे बढ़ते हैं. तो green revolution was followed by white revolution. White revolution मतलब milk production, ठीक है. तो यहाँ पर अमूल वगैरह निकल करके आया था कोऑपरेटिव फार्मिंग के फॉर्मेट में, बात करेंगे. इट वॉज इनिशिएटेड बाई ऑपरेशन फ्लड ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s. दिस नेशनल इनिशिएटिव हैज रिवोल्यूशनाइज्ड लिक्विड मिल्क प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन इंडिया, मेकिंग इट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. आज की डेट में हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो लुकिंग इन टू द जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या फिर इसी को बोलते हैं HYV सीड्स, हाइब्रिड वेराइटी बिल्ड. तो ऑफ लेट स्पेशली ड्यूरिंग पोस्ट 2000 पीरियड हाइब्रिड मेज फॉर पोल्ट्री एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड बीटी कॉटन हैव शोन ग्रेट स्ट्राइड्स इन प्रोडक्शन लीडिंग टू साइजेबल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन विच मेड इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन 78. अब देखिए ये क्या है, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग के बारे में बात कर रहा है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आउटकम्स है, क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स है, सब कुछ को मैंने डिस्कस किया हुआ है इन अ वीडियो. और ये मैं कहूंगा कि आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अलग अलग इंटरनेट के सोर्सेस से मिला करके बनाया गया है. क्वेश्चन आपसे इस पे भी बेस्ड आ सकते हैं, इस वजह से मैं कहूंगा कि एक बार इस वो वीडियो को वॉच आउट कर लीजिएगा आप लोग और नोट्स बना लीजिएगा. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द नोट्स. नोट्स बना लीजिएगा, ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, मैंने इसको सजेशन में डाल दिया है. यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो. आगे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं जरा फूड सिक्योरिटी के कंसर्न क्या क्या है. तो इंडिया इज currently having large number of undernourished people in the world. अब जैसे क्या होता है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है. और ये पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दो तरीके की है. एक है कि जो जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है. और एक है जो इलिटरेट है, इलिटरेट, ठीक है. हालांकि इंडिया में पढ़े लिखे गवार ज्यादा है, लेकिन खैर आप ये लिख नहीं सकते हैं. इलिटरेट सिचुएशन में आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है कि दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स और उनके लिए फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है. नियरली 47 मिलियन और आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट मीट देयर फुल ह्यूमन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग. अब यहीं पर क्वेश्चन उठ जाता है स्टंटिंग और वेस्टिंग का, ठीक है. स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जिसको आप लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 से देख सकते हैं. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इट इज एक्सट्रीमली लो. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहे होते हैं, नॉन मेकेनाइज्ड तरीके से कर रहे होते हैं, फिर सब्सिस्टेंस बेसिस पे कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर कहां से आपका निकल के आएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक फिगर सीरियल इंडिया एस्टिमेटेड टू बी नियरली 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर एज अगेंस्ट 7500 हेक्टेयर इन नॉर्थ अमेरिका. तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा, मतलब 3.5 टाइम्स डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. 3.5 नहीं, नियरली 2.5 टू 3 टाइम्स आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यील्ड में. और तब जब इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, मतलब दिस इज द सिचुएशन. चलिए, द कंपोजिशन ऑफ फूड बास्केट इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग अवे फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, कमोडिटीज लाइक फिश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है. देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन. अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस है, इनका आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप इसको कमर्शियल बेसिस पे करें, एज अ मतलब एम्प्लॉयमेंट समझ के करें, एंटरप्रेन्योरशिप समझ के करें. लेकिन यहां पर लोग क्या सोचना शुरू कर देते हैं, खेती करेंगे तब जब कुछ नहीं रहेगा. तो यहां बेसिकली एग्रीकल्चर, पीपल आर टेकिंग एग्रीकल्चर एज ए कर्स कि हम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, इसलिए कर रहे हैं. बट इसको करना क्या चाहिए, इसको बहुत ही साइंटिफिक और इंडस्ट्रियलाइज तरीके से करिए. कितना ज्यादा पोटेंशियल एग्रीकल्चर में ये आदमी समझ में नहीं पा रहा है. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. लेकिन क्या है, अगेन इफ एंड बट्स के बेसिस पे निकल जाता है. एनिमल हस्बेंड्री में लग रहे हैं लोग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इज गुड, बट अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शुड बी डन, ठीक है. तो काफी अच्छा, क्योंकि ये होता है सीजनल. यहां पर जो भी काम धंधा चाहिए वो सीजनल चाहिए होता है. तो अब अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर बाकी चीजें भी की जा सकती हैं. एज इनकम्स कंटिन्यूज टू राइज दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड इनडायरेक्ट डिमांड फॉर फूड फ्रॉम फीड विल ग्रो रैपिडली इन इंडिया. अब जैसे क्या है, इंडिया में
बोला जा रहा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, फार्मर्स की इनकम को टू टाइम्स करने की बात की जा रही है अशोक दलवाई कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर ठीक है, दलवाई कमेटी ने जो कुछ भी बोला बढ़िया बोला, सब कुछ अच्छा है, बट वी नीड टू मेक द एग्रीकल्चर मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, उनको दे लेना ही पड़ेगा। किस तरीके से, अब ये इनको देखना है कि हाउ दे शुड बी टेकन। बात करें अगर कंसर्न के बारे में, तो देखिए एफएओ एस्टिमेट करता है, मतलब एक रिपोर्ट निकाली गई है, रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2018 रिपोर्ट। हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे अभी जब हम लोग अंडर नॉरिशमेंट टॉपिक देख रहे होंगे, तो अंडर नॉरिशमेंट टॉपिक में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे बोला था कि 14.8% ऑफ पॉपुलेशन इन अंडर नॉरिश्ड इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यह चीज बोली जाती है कि पॉपुलेशन किस तरीके से अंडर नॉरिश हो रही है, तो ये इतनी परसेंट पॉपुलेशन है, आप ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये ऑल्सो 51.4% ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज आर एनेमिक, दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन विच इज गोइंग टू बी देयर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में है, बहुत दिक्कत में है, डिसीज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो फर्दर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 38.4% ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 5 इन इंडिया आर स्टंटेड, देख रहे कंडीशन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, इसका रिप्लिकेशन है ये, और ये चीज आगे देखने को मिल ही रहा है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जब आप देखेंगे तो ये और भी ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आप देख पाएंगे, मतलब आप देखेंगे कितनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो रखी है। इंडिया जो है 76 रैंक है आउट ऑफ 103 कंट्रीज इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, और वो किस बेस पे बेस्ड हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हियर वी आर ऑन द 76 पोजीशन आउट ऑफ 133 कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इंडिया अभी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। इंडिया को काफी काम करना पड़ेगा फॉर दिस फूड सिक्योरिटी थिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हंगर इंडेक्स में अगर बात करते हैं तो देखिए 103वें नंबर पे आउट ऑफ 119 कंट्रीज, तो अगेन एक अलार्मिंग सिचुएशन, अगेन एक बहुत ही पुअर डेटा बता रहा है ये। चैलेंजेस के बारे में बात करें तो देखिए नंबर ऑफ चैलेंजर्स देयर, जैसे नंबर वन पे आ जाती है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब अगेन जैसे क्या है कि हमारे यहाँ पे मानसूनल डेवलपमेंट है, मानसूनल बेस्ड है। अब मानसून बेस पे रहेगा, मानसून जिस साल आया उस साल बहुत बढ़िया, नहीं आया बहुत गड़बड़ हो गया, तो काफी ये एक वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहां शो हो जाती है डिपेंडेंस, और कोई भी काम आप डिपेंडेंस पे करेंगे तो 100% वो फेल होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बोला था एक लाख की राह चलिए, अकेले चलिए। तो हायर टेम्परेचर एंड अनरिलायबल रेनफॉल मेक्स फार्मिंग डिफिकल्ट, क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली इम्पैक्ट क्रॉप बट ऑल्सो लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड एक्वाकल्चर, एंड कैन कॉज grave social and economic consequence in the form of reduced income, eroded livelihood, trade disruption, adverse health impact. तो ये चीज है, कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्मेट में आंसर लिखा गया है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर भी लिखना होता है। चलिए खैर, दूसरा होता है lack of access to remote areas. अब जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे क्या है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से एकदम अनटच्ड हो जाता है, लिंकिंग नेटवर्क ही गायब रहती है। तो हैबिटेशन इन द रिमोट डिफिकल्ट टेरेन्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम हो जाता है वो हो जाता है माइग्रेशन, विच इज इंक्रीज इन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब जैसे क्या होता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेशन के कारण से वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, एज पर द रिजल्ट क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंजिंग बन जाती है। तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कफोर्स रिजल्टिंग अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ स्लम्स विच लैक इन द बेसिक हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज, इनसफिशियंट हाउसिंग एंड इंक्रीज्ड फूड इनसिक्योरिटी, क्लियर। इसके अलावा तो देखिए ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये तो सदाबहार होता है, हमेशा कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू पीडीएस, ठीक है। इसके अलावा डिजर्विंग बेनिफिशियरीज ऑफ द सब्सिडी आर एक्सक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन ओनरशिप ऑफ बीपीएल स्टेटस एज अ क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग अ हाउस होल्ड एज बीपीएल। अब जैसे क्या है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर कोरोना वायरस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में है इसलिए मैं डायरेक्ट इसी का ही क्वेश्चन बार इसी को ही बार बार जो होता है कोट करता रहता हूँ। देखिए कोरोना वायरस में केस क्या है कि अभी दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया, और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना इंडिया के लिए सबसे प्राइम चीज है इस समय। तो बोला ये गया कि जितने भी लोग बीपीएल वाले हैं अपना कार्ड लेकर के आएंगे तो उनको तुरंत के तुरंत जो भी उनको राशन देना है, जो भी उनको फूड प्रोड्यूस देना है, वो दे दिया जाएगा। बट अब चूंकि कंडीशन बहुत अलार्मिंग है, एंड सपोज दे हैव लॉस्ट देयर बीपीएल कार्ड, अब क्या करेंगे, बनवा तो सकते हैं नहीं या नया इशू भी नहीं करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि
कि जिनके पास कार्ड है या जिनके पास कार्ड नहीं भी है, दोनों को देना है, बिकॉज फूड सिक्योरिटी इज द प्राइम मोटिव ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो बॉडी वीक हो जाएगी, बॉडी वीक होगी तो कोरोना का शिकार बहुत आराम से बन जाएगी, और फिर ये कोरोना के शिकार के बाद 100% श्योर है कि मोर्टैलिटी होगा, क्योंकि यहां पर रिकवर होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल काफी ज्यादा गिर गई है। आगे बात करते हैं कंफ्लिक्ट के बारे में। तो देखिए, कंफ्लिक्ट बोलता है कि फूड कैन बी यूज्ड एज अ वेपन व्हिच विद एनिमीज कटिंग ऑफ फूड सप्लाईज इन ऑर्डर टू गेन क्रॉप। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो एनिमीज होती है तुरंत फूड क्रॉप को काट देते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स के बारे में, बायोफ्यूल्स मैंने लास्ट में इसीलिए दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा अलग हो जाता है। बायोफ्यूल में क्या होता है कि एक तो फर्स्ट जनरेशन जो फूड से बनती है, सेकेंड जनरेशन जो वेस्ट से बनती है, और थर्ड जनरेशन जो एल्गी से बनती है। बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बायोफ्यूल्स, द ग्रोथ ऑफ बायोफ्यूल मार्केट हैज रिड्यूस्ड द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। वन सेकेंड, यस, द ग्रोथ ऑफ बायोफ्यूल मार्केट हैज रिड्यूस्ड द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप। तो कहीं ना कहीं ये बायोफ्यूल का जो मार्केट है वो लैंड यूज को भी रिड्यूस कर रहा है फूड क्रॉप के बनाने के लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, फ्यूल है। क्योंकि इसमें करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, हालांकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाल रखा है इसके लिए कि जितने भी फूड प्रोड्यूस आपको उगाना है, फूड उगाइए। अब इसके बाद से क्या बचता है? रेसिड्यू बच जाती है, जिसको पराली बोला जाता है, रेसिड्यू। रेसिड्यू के लिए गवर्नमेंट शुड प्रोक्योर दिस रेसिड्यू, और इससे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाई जा सकती है। और यही काम किया गया कपूरथला पंजाब में, ठीक है। तो काफी अच्छा एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, बट टाइम विल टेल कि क्या चीज हो रही है इसमें, कितना पायरिटी है, कितना सही तरीके से किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जरा कि आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज इज मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? ऑल द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स विद इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एज द मेन कंपोनेंट आर प्लान्ड इन दिस कंट्री। तो बहुत सारे कंडीशंस है, अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कीम भी देखेंगे, उसमें बताऊंगा मैं क्या क्या चीज है। नेक्स्ट जो है हमारा चैलेंज वो है लैक ऑफ कोहेरेंट फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसीज अलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट है करप्शन, की भाई क्या मेल प्रैक्टिस हो रही है, कैसे क्या किया रहा है। बाकी तो ये तो काफी अच्छे से आप लोग जानते हैं, कई सारे कंडीशन भी निकली हैं। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पाम ऑयल पल्सेज एंड मेज, फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEOM भी निकाला गया है, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोला जाता है इसको, मैसिव इरिगेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, हर खेत को पानी हो गया, तो बहुत सारे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टू कॉम्बैट अंडर एंड मेल न्यूट्रिशन ओवर द पास्ट टू डिकेड। कैसे निकाला गया है? फर्स्ट, मिड डे मील के तरीके से जहां पर स्पॉन्सरशिप वगैरह की जाती है, दूसरा आंगनवाड़ी सिस्टम के बेसिस पे जहां कृषि फैसिलिटी वगैरह दी जाती है, इसके अलावा सब्सिडाइज्ड ग्रेन फॉर दोस लिविंग BPL PDS के सिस्टम के तरीके से, फूड फोर्टिफिकेशन या नया इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में है। देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के हमारी खुद की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर के वॉच आउट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली प्लेलिस्ट तो आप लोग देख ही लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के काफी ज्यादा काम में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, मैंने इसको सजेशन में लगा दिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर के उसको वॉच आउट कर सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी मतलब गवर्नमेंट स्कीम की वीडियोस पड़ी हुई है, काफी डिटेल्ड और काफी ब्रॉड लेवल पे डिस्कस की गई है, सारी स्कीम डिस्कस की गई है। अगर हम लोग बात करें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो फूड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, जैसे पहले आ जाता है FAO, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। यहां पर इसका काम क्या होता है, 1948 में स्लाइज एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश की गई थी। One of the foods FAO's strategic objective is to help eliminate hunger, food insecurity and malnutrition. इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और यहां पर बताया गया ये 1963 में फाउंड किया गया है, एंड इट इज द लीडिंग UN एजेंसी दैट रिस्पॉन्ड टू फूड इमरजेंसी एंड हैज प्रोग्राम टू कॉम्बैट हंगर वर्ल्ड वाइड। दिस इज एक्चुअली सब्सिडियरीज, ये जो है सब्सिडियरीज होती हैं, जो मतलब UN की सब्सिडियरी के फॉर्मेट में हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है, और इसको 1977 में बनाया गया था।
It focuses on rural poverty reduction, working with poor rural population in developing country to eliminate poverty, hunger and malnutrition. It is a specialized agency, again subsidiary agency of UN, and was one of the major outcome of the 1974 World Food Conference. Last में आ जाती है हमारी World Bank के बारे में. World Bank तो आपको पता ही है कि poverty के लिए काम कर रहा होता है, and this is founded in 1948 Bretton Woods Foundation के माध्यम से. World Bank is actively involved in funding food project and program. इसके अलावा कुछ international initiatives भी हैं, जैसे पहला initiative है High Level Task Force बनाई गई है, किस पे? ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे, जो कि यूएन सेक्रेटरी बान की मून के द्वारा 2008 में बनाई गई थी. इसका काम क्या था? इसका काम था कि टू प्रमोट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द चैलेंज ऑफ अचीविंग ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. इसके अलावा दूसरी जो है वो है MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि नंबर वन की है, टू रिड्यूस या फिर इलिमिनेट हंगर, और ये 2015 तक इलिमिनेट करने की बात की गई थी. हालांकि हुआ नहीं, तो SDG में भी हम लोगों ने गोल नंबर 2 के फॉर्मेट में ऐड कर दिया है, रिमूव हंगर, इलिमिनेट हंगर. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है ये लॉन्च किए हैं जीरो हंगर चैलेंज इन 2012 ड्यूरिंग द Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जीरो हंगर चैलेंज वॉज लॉन्च टू इंस्पायर ग्लोबल मूवमेंट टूवर्ड्स अ ग्लोबल फ्री फ्रॉम हंगर विद इन अ जनरेशन. काम क्या क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि जीरो स्टंटिंग चिल्ड्रन होनी चाहिए, जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं. 100% एडिक्वेट एक्सेस होनी चाहिए फूड की हर साल के लिए. ऑल फूड सिस्टम्स आर सस्टेनेबल. 100% इंक्रीज इन स्मॉल होल्डर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम. जीरो लॉस और वेस्ट ऑफ फूड होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम कर सकते हैं, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन. सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. इसमें करना क्या होगा? इट विल मेजर, मतलब कि मेजर शुड बी फोकस मेनली ऑन रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इंप्रूविंग द साइज ऑफ फार्म्स, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द टेनेंट कल्टिवेटर, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द फार्मर्स विद इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी फॉर कल्टिवेशन एंड इंप्रूव्ड इनपुट्स लाइक इरिगेशन अवेलेबिलिटी. तो जितनी भी चीजें उनको एक रेशनल तरीके से करना पड़ेगा. इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जो अलाउ करे प्लांट टू ग्रो विदाउट सॉयल. ठीक है, तो बेसिकली सॉयल टेस्टिंग के रूप में लेकर के आना पड़ेगा. प्लांट ग्रोन इन दिस वे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट इफिशियंटली. दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड इन द एरियाज ऑफ पुअर सॉयल क्वालिटी और सॉयल इरोजन. इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा सिस्टम ऑफ राइस सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम लोग राइस की प्रोडक्शन में और तेजी लेके आ सके, अच्छी वैरायटी, अच्छा यील्ड निकाल करके लेके आ सके. प्लांटिंग क्रॉप विद लोअर वाटर रिक्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट मेंटेन सॉइल मॉइस्चर सच एज मेंटेनिंग प्रोडक्ट वेजिटेबल कवर बिटवीन क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू रिजिलियंस. बेसिकली GM क्रॉप को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. और इसी को हमें देखना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए, मतलब इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट शुड बी एक्सप्लॉयटेड फ्रॉम देयर, तो हम लोग निकाल सके मैक्सिमम बेनिफिट. इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन, मतलब कि हमें जितने भी फिशेज या फिर जितने भी सी रिवर लेक्स जिनसे भी जो चीजें निकाली जा सकती है वो निकाली जा सके. बायोटेक्नोलॉजी का हमें यूज करना पड़ेगा, GM क्रॉप्स वगैरह को निकालना पड़ेगा. जैसे क्या है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज बीन डन ऑन डेयरी काउस टू इंक्रीज मिल्क. इसके अलावा हमें एग्जिस्टिंग डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा. वुमेन पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती है हेल्थ रिलेटेड. इसके लिए थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का यूज करना ज्यादा शुरू अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली लिंक होती हैं महिलाओं के, मतलब कि हाउस टू हाउस ये लिंक हो रही होती है. स्टेट गवर्नमेंट कभी ये काम नहीं कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है जितना ज्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होता है. फोकस शुड बी शिफ्टेड टू द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि वही लोग जो है इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है. इसके अलावा एफर्ट शुड बी मेड बाय द कंसर्न्ड हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटीज टू इनिशिएट एंड सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स इन एन एफिशियंट वे. बाकी सर्वे वगैरह करके इनको देखना पड़ेगा कि क्या हमें आउटकम देखने को मिल रहा है आफ्टर द टेकन एक्शन. कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी एजुकेशन है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लेकर के आना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करवाने की कोशिश करनी होगी.
कोऑपरेटिव इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और जो कोऑपरेटिव्स हैं दे कैन बी सेट अप टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि काम किया सकता है, जैसे अमूल ने किया है गुजरात में। फॉस्टरिंग रूरल अर्बन इकोनॉमिक लिंकेज कैन बी इंपॉर्टेंट, जैसे क्या है कि हमें एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक लगाना पड़ेगा। बैकवर्ड लिंक का मतलब रूरल से है, फॉरवर्ड लिंक मतलब अर्बन से, दे शुड बी लिंक्ड, दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, क्योंकि एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए इनपुट बन जाए, ये करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी करनी पड़ेगी, यूथ को काफी ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इनेबल जो है जो पुअर है उनको इनेबल करने की जरूरत है, सोशल प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो होता है ये सब चीजें बात कर ली गई है जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आ जाता है वे फॉरवर्ड कंक्लूजन रिमार्क, फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन इज इंश्योर्ड इफ ऑल ऑफ इट्स सिटीजन हैव इनफ न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वांटिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, तो हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर टू अचीव करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। द राइट टू फूड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इट हैज इन्वॉल्व टू इंक्लूड एंड इट्स ऑब्लिगेशन टू फॉर स्टेट पार्टीज टू रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड फुलफिल देयर सिटीजन राइट टू फूड सिक्योरिटी। बाकी जो होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी बोलता है कि हंगर को फ्री करने की जरूरत है। इन ए नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिसी दैट ब्रिंग्स टुगेदर डाइवर्स इश्यूज सच एज इनइक्वालिटी, फूड डाइवर्सिटी, ये सब चीजें हम लोग देख लिए, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फूड सिक्योरिटी के बारे में, आगे हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज अंडर नॉरिशमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।